हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो हमने संट के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुका था। अब सीरीज का स्पीड कंट्रोल पढ़ते हैं। सीरीज फील्ड वाइंडिंग, सीरीज मोटर को हम कैसे, उसके स्पीड को हम कैसे, हम क्या करेंगे, स्पीड को कंट्रोल करेंगे, कैसे करेंगे, तो वो देखेंगे। तो स्पीड कंट्रोल का जो सीरीज में कौन कौन सा मेथड है, तीन मेथड जनरली हम लोग पढ़ते हैं। कौन कौन सा? फील्ड कंट्रोल मेथड, आर्मेचर कंट्रोल मेथड और वोल्टेज कंट्रोल मेथड। फील्ड कंट्रोल मेथड में क्या होता है? तो फील्ड कंट्रोल मेथड में हम क्या करते हैं, फील्ड में डाइवर्टर लगाते हैं, यानी रियोस्टेट लगा करके फील्ड में हम क्या करते हैं, फील्ड फ्लक्स को कंट्रोल करते हैं। आर्मेचर के पैरेलल में हम डाइवर्टर लगाकर इसके फ्लक्स को कंट्रोल करते हैं। वोल्टेज में इसके पैरेलल में एक और सीरीज मोटर हम लगाकर यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्पीड को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कैसे कैसे होता है, इसके एक एक करके देखते हैं। फील्ड कंट्रोल मेथड में हम क्या पढ़ते हैं, इसको जो होता है, पहले तो ये जान लेते हैं स्पीड किस पे डिपेंड करता है, स्पीड किस पे डिपेंड करता है। तो हम स्पीड कैरेक्टरिस्टिक जब पढ़ रहे थे तो उसमें स्पीड जो होता है, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, वी माइनस आई ए आर ए प्लस आर ए सी, यहाँ पे सीरीज वाइंडिंग है, अपॉन फ्लक्स होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमको स्पीड कंट्रोल करने के लिए किसको कंट्रोल करना है, तो हमको फ्लक्स को कंट्रोल करना है। फ्लक्स, अब यहाँ पे फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो करंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो यानी हम फील्ड के करंट को, ये क्या है, मेन फ्लक्स है ना, ये मेन फ्लक्स है, और जो फाई होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। इट मीन्स अगर आप करंट को कंट्रोल कर लेते हो तो इट मीन्स आप फ्लक्स को कंट्रोल कर लिए। ठीक है, तो इसी को अब देखते हैं कैसे 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 कंट्रोल करते हैं। तो फील्ड कंट्रोल मेथड में जो स्पीड ऑफ सीरीज मोटर कैन बी कंट्रोल बाय वेरिंग द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय सीरीज फील्ड वाइंडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सीरीज जो मोटर होता है उसका डायग्राम याद होगा। तो सीरीज मोटर का डायग्राम क्या होता है, सीरीज मोटर का डायग्राम कैसा होता है, ये आपका सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो गया, इसी के ये क्या हो गया, ये आपका आर्मेचर हो गया। तो ये है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सीरीज के फील्ड फ्लक्स को, यानी इससे जो प्रोड्यूस हो रहा है फ्लक्स को, इसको क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो कौन कौन से मेथड से आप कर रहे हो, तो पहला देखो इसमें क्या है, इसमें तीन मेथड से फील्ड फ्लक्स को आप कंट्रोल कर सकते हो। कौन कौन सा, फील्ड डाइवर्टर, आर्मेचर डाइवर्टर और टैप्ड फील्ड कंट्रोल, ये तीनों मेथड है। अब इसको बारी बारी से हम देखेंगे। फील्ड डाइवर्टर में क्या करते हैं, आर्मेचर डाइवर्टर में क्या करते हैं, टैप्ड फील्ड कंट्रोल में क्या करते हैं। ठीक है, तो बारी बारी से हम देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो पहला मेथड है फील्ड डाइवर्टर। तो फील्ड डाइवर्टर का देखते हैं। तो पहले तो सीरीज मोटर जो होता है, ये देखो आपका सीरीज मोटर है। सीरीज मोटर में हम डाइवर्टर कैसे लगाते हैं, डाइवर्टर हमने पहले भी बता दिया है कि डाइवर्टर क्या होता है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, एंड इट मीन्स रियोस्टेट आप बोल सकते हो, रियोस्टेट होता है। ठीक है, तो रियोस्टेट ये कैसा होता है, तो इसका फिर से मैं डायग्राम दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वाइंडिंग होता है, रेजिस्टेंस वायर का वाइंडिंग होता है, ये रियोस्टेट होता है। इसके ऊपर स्लाइडर लगे होते हैं, ये स्लाइडर लगे होते हैं। ठीक है, तो फील्ड डाइवर्टर में वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है, कैसे कनेक्ट होता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग को के पैरेलल में, अब सीरीज फील्ड वाइंडिंग सीरीज मोटर है, ये सीरीज मोटर है, और इसके पैरेलल में हमने डाइवर्टर लगा दिया। तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग का
ये इसमें क्या होगा, इसमें जो पहले करंट फ्लो हो रहा था आई एल यानी सीरीज मोटर में जो करंट होता है आई एल बराबर आई ए होता है, ये दोनों सेम होता है ना। अब यहाँ पे देखो फील्ड वाइंडिंग का क्या हो रहा है, फील्ड वाइंडिंग से जो करंट पहले जा रहा था पहले की अपेक्षा तो अब कम जाएगा, क्योंकि यहाँ करंट को पास होने के लिए एक और रास्ता मिल गया। तो ये क्या है, ये भी एक रेजिस्टेंस पाथ है, तो इसमें से भी कुछ करंट फ्लो होगा, ठीक है, और इसका भी कुछ अपना क्या होगा, इसका भी अपना एक रेजिस्टेंस होगा, तो जिसकी वजह से कुछ करंट इधर से बाईपास कर जाएगा। तो यहाँ पे करंट जब कम फ्लो करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये मेन फ्लक्स भी क्या होगा, कम जनरेट करेगा, क्योंकि हमें पता है जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एल या आई ए ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, आई एल यहाँ पे क्या हो रहा है, कम मिल रहा है, तो यहाँ पे फ्लक्स भी क्या हो रहा है, कम जा रहा है, तो फ्लक्स भी कम हो रहा है, तो यहाँ पे मेन फ्लक्स कम गया। तो हमने बताया था जो स्पीड होता है, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी माइनस आई ए आर ए प्लस आर ए सी अपॉन फाई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। अब यहाँ पे जब करंट कम रहा है तो फ्लक्स भी आपका मेन फ्लक्स भी क्या हो रहा है, कम जा रहा है, तो यहाँ पे मेन फ्लक्स कम जाएगा तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा, तो जितना कमेगा उतना स्पीड आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो स्पीड कम हो जाएगा, क्योंकि करंट कुछ यहाँ से बाईपास कर गया, तो इसमें कम करंट होगा तो कम ये क्या होगा, ये आपका फ्लक्स भी कम जनरेट करेगा, तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। वही हमने लिखा, ए पार्ट ऑफ करंट आई डी फ्लो थ्रू द डाइवर्टर एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द सीरीज फील्ड वाइंडिंग इज रिड्यूस्ड, सीरीज फील्ड वाइंडिंग का करंट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, विच रिड्यूसेस द फ्लक्स फाई, वो क्या करेगा, आपके फ्लक्स को फाई को रिड्यूस करेगा, कॉन्सिक्वेंटली द स्पीड ऑफ मोटर इज इंक्रीज, तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन फाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फाई ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए गाइस, तो आपका जो दूसरा मेथड है आर्मेचर डाइवर्टर, उसके बारे में देखते हैं। तो आर्मेचर डाइवर्टर में क्या होता है कि आप आर्मेचर के पैरेलल में हम क्या लगाते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है। अब देखो, जब हम संट पढ़ रहे थे तो वहाँ जो डाइवर्टर लग रहा था, या इट मीन्स वेरिएबल रेजिस्टेंस लग रहा था, वो सीरीज में लग रहा था, लेकिन यहाँ पे जो भी हो रहा है वो डाइवर्टर लग रहा है, कैसे लग रहा है, पैरेलल में लग रहा है। तो देखो इससे क्या होगा, अब यहाँ पे आपने पैरेलल में तो लगा दिया, यहाँ पे पैरेलल में लगाया वेरिएबल रेजिस्टेंस, इससे क्या इफेक्ट होगा, तो अगर आप पैरेलल में लगाए तो इसमें आपका फील्ड का क्या हो रहा है, करंट घट रहा है, करंट घटेगा तो यहाँ पे क्या होगा, जस्ट इमेजिन क्या होगा कि करंट, आर्मेचर करंट घटेगा यहाँ, क्योंकि यहाँ से करंट डिवाइड हो गया, तो यहाँ तो जो फ्लक्स है, फ्लक्स तो कांस्टेंट है ना, मेन फ्लक्स यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। तो आर्मेचर का क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा कि ये जो करंट इधर से बाईपास हो रहा है, तो इसमें तो करंट कम जाएगा, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, टॉर्क कम जाएगा। कैसे कमेगा टॉर्क, तो आपको पता है जब टॉर्क पढ़े थे, टाऊ बराबर जो होता था, टाऊ क्या होता था, के इंटू आई ए फाई, ये होता था। तो यहाँ पे आई ए का वैल्यू घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये टाऊ भी क्या हो जाएगा, टॉर्क भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज होगा।
अब ये टाउ का वैल्यू डिक्रीज होगा तो अब क्या होगा? तो आपको पता है कि जब टॉर्क घटेगा तो आपका जो स्पीड है, टॉर्क घटेगा देखो क्या था, टॉर्क यहाँ पे डिक्रीज हो रहा था। टॉर्क क्यों डिक्रीज हो रहा था? क्योंकि यहाँ पे आइए कहाँ फ्लो हो रहा, आर्मेचर करंट में जो आइए फ्लो हो रहा था उसका वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि जो करंट पहले आ रहा था कुछ करंट इधर चला गया आईडी के तरफ, इटमें से डाइवर्टर से बाईपास हो रहा, तो आइए का वैल्यू डिक्रीज होगा तो टाउ क्या होगा, टॉर्क का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि जो टॉर्क होता है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, टॉर्क जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईए। अब आईए ही डिक्रीज होगा तो टॉर्क भी डिक्रीज हो जाएगा, तो टॉर्क डिक्रीज हो गया। अब एक रिलेशन और हम पढ़े थे पहले, थोड़ा सा याद करो, स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, ये पढ़े थे ठीक है। तो जो ग्रॉस टॉर्क होता है टीजी से कहीं पे लिखा होता है, टीजी ग्रॉस टॉर्क को हम टीजी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्पीड, अब यहां पे टॉर्क क्या हो रहा है, टॉर्क क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, तो टॉर्क डिक्रीज इट मीन्स आपका स्पीड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सॉरी ये रिलेशन अभी यहां पे यूज नहीं होगा। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे टॉर्क तो इंक्रीज हो गया, अब टॉर्क आपका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, टॉर्क डिक्रीज, तो यहाँ पे क्या हो गया, टॉर्क तो डिक्रीज हो गया, तो अब यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, फ्लक्स का वैल्यू फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फ्लक्स का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा तो फ्लक्स का वैल्यू इंक्रीज होगा तो आपको एक रिलेशन पता है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/φ, ये आपको पता है। जब फ्लक्स का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, क्यों इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे एक और आपका वाइंडिंग है। अब यहां से एक स्टार्ट हमने निकाला, यहां से ऐसे निकाला, यहां से ऐसे निकाला, अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, तो जो करंट का आएगा, करंट फ्लो होगा, करंट यहां से जाएगा और इतना नंबर ऑफ टर्न के बाद ये इधर से बाईपास हो जाएगा, सारा करंट इधर से चला आएगा, इधर करंट नहीं जाएगा। तो बताइए एन की संख्या आपको डिक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ टर्न यहां पे डिक्रीज हो रहा है, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, फ्लक्स भी आपका डिक्रीज हो जाएगा, फ्लक्स का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे स्टार्ट की मदद से, आप टैपिंग की मदद से, आप बोल सकते हो टैपिंग की मदद से आप क्या कर सकते हो, फील्ड फ्लक्स को कंट्रोल कर सकते हो। फील्ड फ्लक्स को जब कंट्रोल कर लोगे, इट मीन्स फील्ड करंट को आप जब कंट्रोल कर लिए, तो यहाँ फील्ड फ्लक्स भी क्या होगा, कंट्रोल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब टैपिंग
टैपिंग, पहला वाला हम टैपिंग यूज किए हैं, अगर ये टैपिंग यहाँ पे लगा हुआ पहला वाला, तो आपका जो नंबर ऑफ टर्न है यहाँ पे क्या है, कम है, तो नंबर ऑफ टर्न डिक्रीज हो जाएगा, तो फ्लक्स भी आपका डिक्रीज होगा। जैसे जैसे आप स्टड की संख्या बढ़ाइएगा, इट मीन्स नंबर ऑफ टर्न को बढ़ाइएगा, आपका क्या होगा, फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। फ्लक्स इंक्रीज होगा तो स्पीड आपका डिक्रीज होगा। तो यही है आपका फ्लक्स को इसमें कंट्रोल करना है, कैसे कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे भी मेंशन किया है, द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सीरीज फील्ड वाइंडिंग कैन बी चेंज्ड बाय शॉर्ट सर्किट ए पार्ट ऑफ इट एज नंबर ऑफ टर्न्स आर रिड्यूसेज द स्पीड ऑफ मोटर इज इंक्रीज। तो नंबर ऑफ टर्न आप रिड्यूस कीजिएगा, ये आप नंबर ऑफ टर्न रिड्यूस कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स डिक्रीज करेगा ना, फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये तो थे आपका कौन सा, फील्ड कंट्रोल मेथड। दूसरा है आर्मेचर कंट्रोल मेथड और तीसरा है वोल्टेज कंट्रोल मेथड। तो चलिए उसको भी देखते हैं जल्दी से, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइज देखिए, आपका जो दूसरा मेथड था आर्मेचर कंट्रोल मेथड, इसमें क्या होता है, देखिए क्या है कि आप जो सीधे सीधे आप आर्मेचर को डाइवर्टर से डायरेक्टली आप जोड़ सकते हो, इसमें क्या है सीरीज में कनेक्ट करना है। देखो क्या है कि आर्मेचर से आप कनेक्ट किए हो सीरीज में, इट मीन्स आपका ये आपका फील्ड भी तो सीरीज में इसके इसके साथ जुड़ा हुआ है ना। तो इसमें क्या होता है कि आप सीधे इसके क्या कि यहाँ पे डाइवर्टर को बहरी करके आपका करंट को कंट्रोल करोगे, तो आपका इसका फील्ड का भी, फील्ड का फ्लक्स भी कंट्रोल होगा और आर्मेचर का भी कंट्रोल होगा, दोनों एक साथ इसमें कंट्रोल होता है। इन दिस मेथड ए वेरिएबल रेजिस्टेंस आर, ये इसको हमने आर नाम दिया, आर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ आर्मेचर इफ करंट टेकन बाय द मोटर इज कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट है करंट टेकन बाय द मोटर, मोटर क्या कांस्टेंट करंट ले रहा है, तो आपका फ्लक्स भी क्या होगा, फ्लक्स भी आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो फ्लक्स कांस्टेंट होगा, देन स्पीड डिपेंड्स अपॉन इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी हम मोटर की बात कर रहे हैं तो मोटर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो क्या होता है, ईबी, यानी बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ पे डिपेंड करेगा जब ये कांस्टेंट करंट ले रहा होता है उस वक्त, ठीक है। तो बैक ईएमएफ पे, तो और स्पीड भी हमने पढ़ा है, स्पीड जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईबी, यानी ईबी जितना ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा होगा उतना स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। विथ एडिशन ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज रिड्यूस्ड, हेंस द स्पीड इज रिड्यूस्ड। अब यहाँ पे आपने वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया है तो जिसकी वजह से आपके करेंट, यहाँ पे भी करेंट आपको कम मिल रहा है ना, यहाँ पे भी ये लिमिटेड करंट मिल रहा है, तो फ्लक्स भी यहाँ जो जनरेट होगा वो क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इट मीन्स लिमिटेड फ्लक्स होगा, तो यहाँ फ्लक्स भी कम मिलेगा, फ्लक्स कम मिलेगा इसमें करंट आईए भी कम आएगा, आईए भी कम आएगा, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका ईबी पे, इंड्यूस्ड ईएमएफ पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पे इफेक्ट पड़ेगा तो उस वक्त जितना कम होगा, जितना इंड्यूस्ड ईएमएफ कम होगा स्पीड उतना ही डिक्रीज होगा, ठीक है। अगला जो मेथड है वोल्टेज कंट्रोल मेथड, इसमें क्या है कि सीरीज मोटर को आइदर आप सीरीज में कनेक्ट कर दो, दो से तीन चार मोटर को आप सीरीज में ऐड कर दो या पैरेलल में ऐड कर दो, इससे क्या इफेक्ट होगा, तो जस्ट इमेजिन कि आप दो मोटर को आपने सीरीज में ऐड कर दिया, तो यहाँ पे जो वोल्टेज रेटिंग है वो क्या, वोल्टेज रेटिंग पे क्या इफेक्ट होगा वो देखो,
अभी हम सभी को एक रजिस्टिव पार्ट मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ पे भी वोल्टेज, तो यहाँ पे ओवरऑल हम मान लेते हैं जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इसके पैरेलल में। हमको पता है कि वोल्टेज जो होता है कॉन्स्टेंट होता है, तो जो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा वही वोल्टेज इसके अक्रॉस भी होगा। लेकिन सीरीज में क्या होता है कि करंट आपका सेम रहता है, ठीक है, करंट आपका सेम रहता है। तो वोल्टेज कंट्रोल मेथड में सीधा सीधा क्या करते हैं कि ये जनरली आपका ट्रैक्शन पर्पस के लिए ये मेथड यूज होते हैं, वोल्टेज कंट्रोल मेथड ट्रैक्शन पर्पस में। अब या तो आप कुछ मोटर को सीरीज में भी कनेक्ट कर दो और इसी के साथ कुछ मोटर को पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, दोनों इसमें हर एक तरह की पॉसिबिलिटी है। तो जनरली ये कहाँ यूज होते हैं, ट्रैक्शन में यूज होते हैं। जब आप ट्रैक्शन पढ़ोगे तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके आप पढ़ोगे। तो यहाँ पे शॉर्ट में हम बता देते हैं, यहाँ पे क्या होगा कि जब करंट ज़्यादा वैरी करता है ना, तो इस मेथड का यूज करते हैं। जब करंट आपका कांस्टेंट होता है, वोल्टेज वैरी करता है, तो इस मेथड को हम यूज करते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज कंट्रोल मेथड में इतना ही, दो या दो से अधिक मोटर को सीरीज में भी आप कनेक्ट कर सकते हो, और दो या दो से अधिक मोटर को मतलब कितना भी मोटर हो पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हो। अब देखो जब मोटर, यहाँ पे थोड़ा सा और देख लो, जब मोटर ये क्या है, मोटर आपका जब सीरीज में कनेक्ट हुआ होता है तो यहाँ पे वोल्टेज रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। और जब वोल्टेज ये क्या है पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो आपका वोल्टेज रिक्वायरमेंट नॉर्मल होता है, सभी का जो नॉर्मल रेटिंग होगा उसी के अकॉर्डिंग, लेकिन इससे रेटिंग से ज़्यादा वोल्टेज का इसमें रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगला जो टॉपिक है आपका एफिशिएंसी एंड लॉसेज पे बेस्ड है, तो वो आपका मोटर का लास्ट क्लास होगा। इसके बाद हम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो मेरे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो डायरेक्ट। थैंक यू, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।